नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी तरीके से टेस्टी चिकन करी की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 600 ग्राम चिकन। चिकन आप अपने जरूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चिकन में हम डालेंगे कुछ मसाले। डालेंगे हम एक नींबू का रस, साथ ही हम डालेंगे 3-4 हरी मिर्च को इस तरीके से बड़े टुकड़ों में काट के, तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा। डालेंगे हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बड़े चम्मच के 2 चम्मच, साथ ही हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी डालेंगे, साथ ही डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, 2 मीडियम साइज के प्याज को ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, हम डाल देंगे प्याज भी। डालेंगे हम 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, साथ ही हम डालेंगे 2 चम्मच तेल और अच्छे से हम चिकन में सभी मसाले मिक्स कर लेंगे। सिर्फ 2 ही चम्मच हम डालेंगे। अच्छे से हम मसाले चिकन में मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, मसाले अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम कढ़ाई में ले लेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। तेल जैसे गर्म हो जाए हम डालेंगे 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, साथ ही हम डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी के। डाल देंगे हम मैरिनेट किए हुए चिकन। गैस का फ्लेम बिल्कुल अभी हम लो पे रखेंगे। चिकन डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम में हम पहले 2 मिनट एक तरफ फ्राई हो जाने देंगे, फिर हम चिकन को एक बार अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, चिकन बनाने का बिल्कुल नया तरीका। एक बार आप बनाएंगे ना, आप इस चिकन करी के दीवाने हो जाओगे। तो एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। 2 मिनट बाद एक बार अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे हम। दो से 3 मिनट दूसरी ओर भी हम हो जाने देंगे, फिर हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके चिकन को ढक के पकाएंगे। तो पहले हमें खोल के 5-6 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट बाद एक बार और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो टोटल हमें चिकन को मीडियम फ्लेम में भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद पैन को कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रहेगा और बीच बीच में खोल के हम बार बार स्पैचुला से चलाते भी रहेंगे। 10 मिनट हो गए, चिकन हमारा पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं हुआ है। मैंने बीच में खोल के एक बार स्पैचुला से चला लिया था। एक बार अच्छे से मिक्स करके फिर से हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे ही रख के ढक देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तब तक चिकन हमारा पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में खोल के आप 1 से 2 बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा। चिकन में से काफ़ी एक्स्ट्रा पानी निकलते हैं लो फ्लेम में ढक के पकाने से, उसी से ही हमारा जो चिकन है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स हो गया है, पैन को कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट हो गए और चिकन पूरी तरीके से हमारा सॉफ्ट हो गया है। और फ्रेंड्स, जब आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे ना, तभी आपको पता चल जाएगा कि कितना ये टेस्टी बनके तैयार हुआ है। पूरा घर इस चिकन करी की खुशबू से महक रहा है। लास्ट में हम थोड़ा सा और डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। बस हम मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बस मेरे कहने पे एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। बनाना कितना इजी है आपने देखा ही। तो धनिया पत्ते डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लिया। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे
और तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी चिकन करी। तो धनिया पत्ते डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और आप देख के समझ सकते हो ये चिकन करी खाने में कितना टेस्टी होगा। बस एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। तो गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, तो चलिए अब हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।